अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की पहली पोएम यूनिट नंबर 1.1 ए टीनेजर्स प्रेयर्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन और उसको इस पोएम में क्या बताया गया है पोएट के ज़रिए से वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोएम ए टीनेजर्स प्रेयर। ए टीनेजर्स एक ऐसी उम्र को कहा जाता है जो 13 से 19 साल के दरमियान होती है, उसी एज को टीनेजर कहा जाता है। तो यहाँ पर जे मॉस की लिखी हुई ये पोएम है, यहाँ पर टीनेजर शायर खुद पोएट खुद जो है इस पोएम में एक्सप्लेन और नैरेटर का किरदार अदा कर रहा है, एक्सप्लेनर और एक्सप्लेन कर रहा है और नैरेटर का किरदार अदा कर रहा है। तो टीनेजर्स प्रेयर का मतलब होता है एक ऐसी दुआ जो एक 13 से 19 साल के बच्चे की ज़रिए की गई हो। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट वी हैव टू डिस्कस ऑन चिट चैट एक्टिविटी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ टू टच टू आर दिस एक्टिविटी विल टच टू आर टॉपिक्स। तो देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट एंड डिस्कस गिव ए रेटिंग ऑफ 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है और हमें उसकी रेटिंग देना है। तो इस क्वेश्चन जो पूछा गया है, When you have to take important decisions, what do you generally do? यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब आपको कभी कोई ऐसा डिसीज़न जो आपके लिए बहुत अहम हो वो लेना हो तो आप जनरली क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर वन, कंसल्ट पेरेंट्स एल्डर्स, यानी आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से अपने बुज़ुर्गों से कंसल्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। नंबर बी, कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, या तो फिर आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं, यानी जो आपका सबसे बंच फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, आप उनके पास जाते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, नसीहत लेते हैं, मशवरा लेते हैं। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, और फिर क्या करते हैं, हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। नंबर डी, थिंक डीपली इन साइलेंस, या तो फिर कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसी से मशवरा नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल तन्हाई में मुब्तला करके सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद ई दिया गया है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, या तो फिर आप अपने टीचर से मदद मांगते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, यू हैव टू पुट योर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द टीचर, देन टीचर विल गाइड यू, तो आप अपने टीचर से भी मशवरा करते हैं। नंबर एफ, टॉस ए कॉइन टू डिसाइड, या तो फिर हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं और डिसाइड करते हैं। लेकिन आई एम नॉट एग्री विद दिस लास्ट पॉइंट बिकॉज कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न है उसको टॉस करके नहीं किया जाता, ये खेल की हद तक ही सही है। तो ये आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं, आप पेरेंट्स को देते हैं, टीचर्स को देते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर राइटिंग करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद हम हमारी अगली पोएम की तरफ आते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। जे मॉस की लिखी हुई ये पोएम है, हमें इसको देखना है कि इस पोएम में पोइट क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं आई विल रीड होल पोएम, देन वी हैव टू गो लाइन टू लाइन स्टैंजा वाइज। सो पे योर अटेंशन टू द टॉपिक एंड लिसन वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड्स प्रोनंसिएशन। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptations come my way. That might keep my body clean and fit for the life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me.
देखते हैं हम सबसे पहले पहले स्टैंड पे जाते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट स्टैंड में शायर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। इन वेरी फर्स्ट लाइन पोएट सेड दैट ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, इट मीन्स दैट के हमारी ज़िंदगी में हर नया दिन जो आने वाला है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यहाँ पर शायद शायर जो है ये फोकस करना चाह रहा है कि कभी कभी होता है कि हम ज़िंदगी में कोई इम्तिहान में, कोई काम के अंदर, कोई कॉम्पिटिशन्स के अंदर फेल हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए कि हम फेल हो गए हैं तो हम वी कैन नॉट डू दैट थिंग्स, हम वो काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड से दैट यस नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस थिंग, अगली मर्तबा ये चीज़ को मैं अच्छी तरीके से करूँगा। तो दैट इज़ वाई जेमोस शेयर दैट हियर ईच डे ब्रिंग्स, हर नया दिन लाता है न्यू बिनिंग बिगिनिंग्स, नई शुरुआत को। डिसीजंस आई मस्ट मेक एंड वॉट एवर द डिसीजन वी हैव टू टेक इन आर लाइफ फॉर आर कैरियर फॉर आर बेटर फ्यूचर, दिस इज डिपेंड अपॉन आस, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें ही लेना है वो डिसीजन, कोई हमारा फैसला करने के लिए आने वाला नहीं है। तो वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड कॉन्फिडेंटली हमें उस डिसीजन को लेने की ताकत हमारे अंदर रखना चाहिए। आई एम द ओनली वन टू चूज, अब यहाँ पे जे मॉस कह रहे थे आई एम द ओनली वन, मैं सिर्फ हूँ, वन टू चूज यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि वो डिसीजन जो मेरी लाइफ के लिए मुझे लेना है वो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, कोई आने वाला नहीं है। द रोड दैट आई विल टेक, और जो रास्ता, कामयाबी का रास्ता मुझे सेलेक्ट करना है उसका फैसला मुझे खुद में लेना है। बल्कि यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि ज़िंदगी में जो भी अहम तरीन फैसले हैं वो हमें खुद को लेना है, और हर एक नया दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत को लेकर आता है। आज अगर हम फेल हो गए तो हमें नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट डे विल ब्रिंग्स फॉर यू न्यू बिगेनिंग्स। लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि आई कैन चूज, मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी के सही रास्ते का फैसला मैं कर सकता हूँ, और वो रास्ता दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, एक ऐसा रास्ते का फैसला जो मुझे कामयाबी की तरफ, नॉट ओनली सक्सेस बट ऑल्सो ग्रेट सक्सेस, यानी यहाँ पर सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि कामयाबी ऐसी जो अजीम हो, एक अजीम कामयाबी की तरफ मुझे ले जाए। तो ये रोड जिंदगी की रास्ते का जो सफ़र है, कामयाबी के रास्ते का जो डिसीजन, जो फैसला है वो मुझे लेना है, और वो फैसला ऐसा होगा जो मुझे का बहुत बड़ी अजीम कामयाबी की तरफ ले जाएगा। और ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड, या तो फिर क्या होगा, ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। अगर हम जिंदगी का फैसला सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो फिर वो हमें क्या करेगा, या तो हम ऐसे रास्ते पे चले जाए जो डार्केंड है, जो गुमराह गुमराही से भरा हुआ है, उस रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो वो रास्ता हमें क्या करेगा, दैट लीड्स, लीड्स इट मीन रहनुमाई करना, वो रास्ता हमें उस जगह लेकर जाएगा जहाँ पर ग्रेट डिस्ट्रेस हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मायूसी हो, डिस्ट्रेस मायूसी को कहा जाता है, यानी अगर हम जिंदगी की रास्ते में सही फैसले नहीं करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएगा जहाँ पे सिवाय नाकामी के कुछ ना हो, बल्कि तो हमें हमारा डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो हमें के हमको क्या करे, एक ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाए, ना कि डिस्ट्रेस की तरफ ले जाए। अब यहाँ पर थर्ड स्टैंजा हम देखते हैं, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। अब यहाँ पर पोएट जो है वो खुदा से दुआ कर रहा है, प्लीज ओपन अप माई आईज,
वो रिक्वेस्ट कर रहा है, दुआ कर रहा है कि खुदा मेरी आंखें खोल दे, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ तौर से देख सकूं। अब यहाँ पे आंखें खोल देना मतलब हम नॉर्मली जैसे आंखें ब्लैंकिंग करते हैं उसका मतलब ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर पोएट जो है खुदा से दुआ कर रहा है कि खुदा मेरी आंखें खोल दे, दैट आई माइट सी क्लियरली, ताकि मैं साफ तौर से सारे मंजर को बिल्कुल साफ तौर से देख सकूं। और कौन सा मंजर है सही और गलत का, इससे पहले के स्टांजा में जो हमने देखा कि अगर रास्ता सही है तो कामयाबी मिलेगी, रास्ता सही नहीं है तो नाकामी मिलेगी। तो हाय खुदा, शायर दुआ कर रहा है कि खुदा हमें एक ऐसा रास्ता दिखा जो कि कामयाबी की तरफ आता हो। इसीलिए वो कह रहा है कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, कि ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे, दैट आई माइट सी क्लियरली, ताकि मैं साफ तौर से देख सकूँ क्या सही है और क्या गलत है, और कौन सा रास्ता कामयाबी की तरफ है और कौन सा नाकामी की तरफ। सही फैसला करने की ताकत दे, इस तरीके की वो दुआ कर रहा है। देन उसके बाद वो कहता है कि हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, एंड ही सेड टू द गॉड, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मेरी मदद कर सही के साथ खड़े रहने की, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरी उस वक्त मदद कर जो सही हो, ताकि मैं सही फैसले और अपना बेस्ट जो दे सकूँ, अपना अच्छा रोल अदा कर सकूँ। तो ऐ खुदा हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, मुझे स्टैंड कर उस काम के लिए जो सही है, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। उसके बाद शायर कहता है, पोइट सेड दैट हेल्प लॉर्ड टू सी जस्ट नो। देन इन दिस इज स्टैंजा, इन लास्ट सेकेंड स्टैंजा पोएट ऑल्सो प्रे टू गॉड, वो खुदा से वापस से दुआ करता है और कहता है कि हेल्प मेरी मदद करो, ऐ खुदा मेरी मदद करो टू जस्ट से नो, उस काम के लिए मना करो, उस काम के लिए मैं ना बोल दूँ, उस काम के लिए व्हेन टेम्पटेशन कम्स ऑन माई वे। टेम्पटेशंस का मतलब यहाँ पे होता है, आप देखेंगे यहाँ पे, ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, यानी एक ऐसी ख्वाहिश जो गलत हो, जो बैड हो, एक ऐसा काम जो रॉन्ग हो, जो गलत हो, जो बैड हो, वो करने की ख्वाहिश अगर मेरे दिल में आती है, तो ऐ खुदा उस वक्त मुझे मना कर, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं अपनी रूह को, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सकूँ, बुरे कामों से बचा सकूँ, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और ज़िंदगी के हर नए दिन पर अपने आप को फिट और अच्छा और बेहतर और ईमानदार अपने आप को रख सकूं, मेरे अंदर कोई बुराई ना हो। तो यहाँ पे पोएट खुदा से ये दुआ करता है कि अगर मेरे जहन में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसे एहसास आते हैं जो गलत है, तो उस वक्त तो आप मेरी मदद कीजिए और मुझे मना कीजिए, ताकि मैं अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रह सकूँ, रख सकूँ, और आने वाले हर नए दिन के लिए अपने आप को तैयार और फिट रख सकूँ। इन द लास्ट स्टैंजा पोएट सेड व्हेन माई टीन एज ईयर्स आर ओवर, और वो कहता है कि व्हेन माई टीन एज ईयर्स आर ओवर, जब मेरे टीन एज के जो दौर है, वो साल है जो कम खत्म हो जाएंगे, व्हेन माई टीन एज ईयर्स आर ओवर, जब मेरे टीन एज के दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आई नो दैट आई विल सी, उस वक्त मुझे पता चलेगा, मैं देखूंगा, दैट लाइफ इज ल्यूड इट्स वेरी बेस्ट, वो ज़िंदगी जो मैंने टीन एज के दौरान गुजारी है वो बिल्कुल साफ सुथरी और बहुत अच्छी गुजारी है, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब आप मेरे साथ रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेगी। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर जब मेरी टीन एज की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उस वक्त तो मैं देखूंगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी साफ़ सुथरी गुजरी है, कितनी प्योर गुजरी है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप यानी खुदा हमारे साथ हो, हमारे साथ हर परेशानी में और हर खुशी के अंदर हमारे साथ स्टैंड हो। तो ये पोएम है जेमॉस की लिखी हुई, इस पोएम में ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। अब यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं, आपके पास बुक्स है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ये पोएम। अब यहाँ पर
जो ग्लॉसरी के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको पढ़िए और उसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और फिर नेक्स्ट पीरियड में हम इन क्वेश्चन आंसर को भी डील करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डू बेटर, इससे अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में मुझे रिप्लाई दे सकते हैं। शुक्रिया।